नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, बाराबंकी से। मैं युति हेल्थ क्लिनिक का संचालन करती हूँ। मैं स्त्री प्रसूति एवं निसंतान का रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे प्रीटर्म लेबर पेन्स के बारे में, उससे संबंधित क्या क्या नुकसान होते हैं माँ और बच्चे को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रीटर्म लेबर पेन होता क्या है। कोई भी गर्भवती महिला अगर पूरे 9 महीने होने से पहले अगर उसे गर्भ दर्द शुरू हो जाती है, अगर उसकी डिलीवरी होती है 37 वीक्स होने से पहले, तो इसे हम प्रीटर्म लेबर पेन्स कहते हैं। इनके क्या क्या नुकसान होते हैं? प्रीटर्म लेबर पेन्स में बच्चा जन्म से समय से पहले हो जाता है, तो उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके फेफड़े इतने मजबूत नहीं होते। NICU एडमिशंस बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत डिले हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके माइलस्टोन्स नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा डिलेड होते हैं। बच्चों को आगे चल के कार्डियक डिसीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के जितना जल्दी डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स पे फिजिकल और मेंटल बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान देने वाला होता है, अगर कोई भी गर्भवती महिला जिसे समय से पहले दर्द आ रहे हैं, उसको पानी आ रहा है नीचे से, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर के पास तुरंत दिखाने जाना चाहिए।